मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री एवं गोविंदपुरा विधानसभा विधायक कृष्ण गौर ने बताया कि गोविंदपुरा विधानसभा को जल्द ही भोपाल में आइडियल विधानसभा के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें गोविंदपुरा की सड़कों के बाद हाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साफ सफाई एवं अन्य सुविधाओं पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। गोविंदपुरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर भी कृष्ण गौर ने बताया कि इंडस्ट्रीज एरिया की कमेटी के साथ विशेष बैठक कर इंडस्ट्रीज एरिया को भी एक नया रूप दिया जाएगा। वहीं गोविंदपुरा विधानसभा से आए हुए लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण कर इंजीनियर को फटकार लगाई गई है। सभा में कई जगह ऐसी जो जगह है, रोड वगैरह के काम जो रह गए हैं, वो कब तक पूरे होंगे? देखिए, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक होने के नाते स्वाभाविक रूप से मेरी जिम्मेदारी, मेरी प्रतिबद्धता अपने विधानसभा के विकास की है और लगातार इस बात का प्रयास रहता है कि विकास में कोई कसर ना रखे। सड़कें हो, नालियों का निर्माण हो, पार्कों का निर्माण हो, नालों का निर्माण हो, हॉस्पिटल्स बेहतर तरीके से हो, संजीवनी क्लिनिक अच्छे से बने, उसमें डॉक्टर्स की व्यवस्था हो जाए, बहुत सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और इसलिए लगातार लोग आते हैं। अभी बारिश का समय है, लोगों को परेशानी हो रही है, गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढों को भरवाने का काम कर रहे हैं। बारिश जैसे ही रुकेगी वैसे ही सड़कों के निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। तो गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक कोने कोने की चिंता करना यह हमारी जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद और जो विश्वास हम पर दिखाया है, उस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने की जिम्मेदारी हमारी है और हम निरंतर इसके लिए काम करते रहेंगे। लगातार रोज हमारे घर पर, निवास पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों के निर्माण के लिए आ रहे हैं और लगातार सड़कें बनाने का काम हम कर भी रहे हैं। जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ के एस्टिमेट बना रहे हैं, टेंडर लगवाए जा रहे हैं और विकास के कामों में सरकार पर्याप्त पैसा दे रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। मैम, इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे हैं तो गोविंदपुरा क्षेत्र एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, उनके लिए क्या कुछ योजना निकाली गई है? इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ लगातार हमारी बैठकें होती है, उनकी समस्याएं हमारे तक पहुंचती है, उनका निराकरण हम करते हैं। हमने लगातार इस बात का प्रयास किया कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया एक आइडियल इंडस्ट्रियल एरिया बने और इसलिए हमने जब जब अवसर मिला, चाहे वो वहाँ संजीवनी क्लिनिक, एक आदर्श संजीवनी क्लिनिक खोलने की बात हो, चाहे फायर ब्रिगेड का स्टेशन देने की बात हो, चाहे स्वच्छता की दृष्टि से वहाँ पर विशेष सफाई कर्मचारी देकर उसको साफ सुथरा रखने की बात हो, इंडस्ट्रियल एरिया के एसोसिएशन के माध्यम से जो भी शिकायतें हम तक पहुँचती हैं, जो समस्याएँ हमारे पास आती हैं, उनका निराकरण हम करते हैं। हमें एक लास्ट सवाल और, जैसे कि आपने स्वास्थ्य की बात की है, तो अभी जैसे कि एक हॉस्पिटल और क्लिनिक जो कि नए तरीके से देखा जाए संचालित हो रही है, जिनके पास डिग्रियां भी नहीं है, वो ले लेकर बैठे हुए और दूसरे डॉक्टर से फ़ोन पर संपर्क करके इलाज करते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों पर क्या कुछ कार्रवाई के लिए कुछ आदेश वगैरह किए जाएंगे? अगर इस तरह का कोई अपराध कर रहा है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में, ऐसे किसी भी अपराध को वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगा, नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और मैं सागर लेक व्यू होम्स में रहती हूँ, पेश हूँ। लगभग 2018 से मैं यहाँ पे किराए से रह रही हूँ और 2021 से मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया। एक्चुअली वृंदावन नगर जो है वहाँ से लेके जो सागर लेक व्यू होम से कांता श्रवण है, सबसे लास्ट सोसाइटी है और बीच में आने वाली जो आनंद गुरु विहार है, आपके अयोध्या पास से लगी बहुत सारी सोसाइटी है, लगभग 2000 परिवार निवास करते हैं, लेकिन सड़कियाँ लग इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैडम को हम लोग लगभग पिछले 3 चुनाव में 3 बार बोल कर गए, जनसंपर्क के टाइम भी हमने मैम को बोला और लोगों ने क्या किया कि बीच के कुछ पार्ट में ओनली 50 मीटर की जो जगह है वो इतनी कंजेस्टेड कर दी है अतिक्रमण करके कि वहाँ से ट्रैफिक, एक छोटी सी गली में भी ट्रैफिक हो रहा है, गड्ढे बहुत भारी हो गए। तो सबसे अच्छा ये लगा कि मैडम के बारे में ये सुना था कि मैडम बहुत बहुत अच्छे से बात करती हैं और काम का समाधान फौरन करती हैं समस्या का, तो वो आज हमने जीवंत देखा मैडम से बात करके। मैडम ने इंजीनियर साहब को कॉल लगाया और फौरन उनको बिना पानी के, बिना लिक्विड डाले, मतलब उन्होंने लिक्विड के थ्रू किसी कोई प्रोसेस बताई, उनको बात करी और बोला कि गड्ढे का समाधान आज ही हो जाना चाहिए। अभी मेरी इंजीनियर साहब से भी बात होगी, उन्होंने बोला कि आप जैसे ही सोसाइटी में वापस पहुंचो मुझे कॉल करो, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। तो इससे पहले भी आपने कहीं कुछ आवेदन दिए थे कि इस चीज़ को लेकर रोड बनाने को? हमारा मैडम के पास आकर यहाँ देने का आवेदन पहला था, लेकिन मैडम सोसाइटी में आई थी तब हमने दिया था। लगभग कितने समय पुरानी बात होगी? अभी इलेक्शन जो हुआ लोकसभा विधानसभा का, और पहले भी करवाया, मैडम ने ही काम करवाया था,
मैडम नहीं, उस रास्ते पे हमारे नाली भी बनवाई थी, और लोगों साल पहले रोड बनी थी, और उस नाली को भी लोगों ने अभी वापस ऊपर कुछ रखकर बंद कर दिया, और उसके ऊपर से पानी बहाते हैं, तो बहुत समस्याएं हैं। होप कि ये जल्दी अच्छा हो जाए। थैंक यू। मैं संगीता तिवारी, सागर लेक व्यू होम्स, अयोध्या बाईपास में रहती हूँ, और मेरा ये कहना है कि हमारे नेता लोग काम करवाते हैं, बहुत अच्छा काम करवाते हैं, लेकिन जनता भी, जैसे अभी रोड बनी, नाली बनी, तो जनता ने उस नाली को कवर करके और उसके ऊपर से पानी बहाते हैं। डेली गाड़ियां धुल रही हैं, घर का पानी जा रहा है, जिससे रोड जल्दी टूट जाती है, गर्मियों में गर्म होती है, फिर पानी पड़ता है, रोड टूट जाती है। और अभी उन्होंने 2 साल पहले रोड बनवाई थी, लेकिन उस रोड को लोगों ने चलने ही नहीं दिया है, पानी भर भर के उसको ख़राब कर दिया। तो जनता से भी मेरा कहना है कि नेताओं को दोष ना दें, कुछ जिम्मेदारी अपनी भी समझने की कोशिश करें कि हम जहाँ रहते हैं वो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। नेता आके हर दिन आपका काम नहीं करेंगे, वो एक बार करवा देंगे, उसको मेनटेन रखना हमारा काम है। तो जनता भी जागरूक हो और आगे आए, और नेता लोगों की, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी हेल्प करें, सहायता करें, और सभी के बारे में सोचें। धन्यवाद।